12 और 13 जनवरी को चंपा देवी पार्क में होने वाले दो दिवसीय गोरखपुर महोत्सव में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम संबंधित बैठक जिलाधिकारी के विजयन पांडियन की अध्यक्षता में कलेक्टर स्थित कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह, एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल, गोरखपुर विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर उषा सिंह, क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी रविन्द्र मिश्रा सहित संबंधित अधिकारी तथा गोरखपुर महोत्सव के लिए गठित समितियों के सदस्य मौजूद रहे। बैठक में गोरखपुर महोत्सव में सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए कलाकारों के चयन पर अंतिम मोहर लग गई। बैठक में जिलाधिकारी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम को सफल आयोजन के लिए संबंधित लोगों को जिम्मेदारी सौंपते हुए कार्यक्रम के सफल आयोजन के निर्देश दिए। पिछली बार मीटिंग में नहीं थे आप, बताया क्या क्या सबको मिला है? आई मैडम, दो दिन का प्रोग्राम है सर, तो हमारा पहले दिन 12 बजे से प्रारंभ होगा। उसमें जैसा ये है कि पारंपरिक स्वागत और आशीर्वाद होगा, फिर ये भास्कर जी का गंगा उत्तर पर प्रस्तुति होगी, शारदा संगीतालय का संस्कार गीत होगा और घूमर पंजारी NCZCC का, ये 2 घंटे का कॉम्पैक्ट प्रोग्राम सर उद्घाटन के समय होगा। उद्घाटन में संबोधन मंत्री जी आएंगे, मंत्री जी आएंगे, उनका स्वागत हो जाएगा और उस समय राष्ट्रगान हो जाएगा। ये राष्ट्रगान में मूक बधिर वाले भी सम्मिलित रहेंगे सर, और उनका वो लेके वो प्रदर्शनी में देखेंगे क्या? उसके बाद जैसे 2 बजे के बाद अंदर, ठीक है। अब अंदर ये टाइमिंग अपने पूरा क्लब कर दिए, चारों कार्यक्रम अपने 12 बजे क्या आधे घंटे की होगा शायद, विश्वविद्यालय बच्चे हैं आपका, कितने समय लेंगे? ये पैसा तो सीधे का संस्कृति वाला उसी से हो जाएगा।